हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं वर्कशॉप प्रैक्टिस में इंट्रोडक्शन ऑफ टूल्स। तो इसमें कुछ बेसिक टूल्स के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर क्या होता है? तो स्क्रू ड्राइवर, इसको हिंदी में पेचकस भी बोलते हैं, जो आजकल सभी घरों में मौजूद होते हैं। तो इसका जो पार्ट है, ये देखिए, इसको ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको सैक बोलते हैं। सैक बोलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको सैक बोलते हैं। और ये जो आगे है, आगे ये वाला पार्ट, इसको हम ब्लेड या टिप भी बोलते हैं। ठीक है, पीछे वाले को हैंडल बोलते हैं। ओके, और ये अनेक आकार प्रकार का होता है। इसका जो लंबाई होता है, ये सैक की लंबाई के आधार पर इस पेचकस का लंबाई डिसाइड होता है, ये कितना लंबा होगा, चौड़ा होगा। ठीक है, तो ये फ्लैट टिप, क्रॉस टिप, यू टिप का होता है। तो टिप कहने का मतलब, ये फ्लैट टिप कहने का मतलब, ये जो यहाँ का ये टिप है, जो फ्लैट मतलब चौड़ा होता है। क्रॉस टिप, ये क्रॉस टिप में इस तरह का होता है क्रॉस टिप। यू टिप कुछ इस तरह का होता है, जो टिप है जो इस आकार का होता है। ओके, अच्छा, ये जो समानता होता है, 5 से 30 सेंटीमीटर सेक वाला पेचकस सब जगह यूज होते हैं। इलेक्ट्रिशियन के लिए जो बेनिफिशियल होता है, वो 8 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर वाला पेचकस यूज होता है। घड़ी साजों के लिए 1 से 2 सेंटीमीटर सैक वाले पेचकस, ये जो सैक है, ये कितना होता है? सैक होता है 1 से 2 सेंटीमीटर घड़ी साजों के लिए, जो घड़ी बनाते हैं, घड़ी मिस्त्री के लिए। अब आगे आता है फेज टेस्टर। फेज टेस्टर किसको बोलते हैं? तो ये जो आमतौर पर आम बोलचाल की भाषा में इसको हम टेस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो टेस्टर, यह देखने में तो बिल्कुल पेचकस की तरह होता है, जिसका जो ब्लेड की लंबाई होती है, ब्लेड ये वाला जो आगे है, ब्लेड की लंबाई होती है 8 सेंटीमीटर होता है। ये देखिए, इसको बोलते हैं हैंडल। ये हैंडल है, तो हैंडल में एक नियोन, हैंडल में एक नियोन लैंप लगा होता है, रजिस्टर लगा होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेक बोलते हैं, सेक बोलते हैं। तो सेक से ये यहाँ पे क्या है, ये रजिस्टर कनेक्ट होता है, रजिस्टर कनेक्ट होता है, और ये नियोन लैंप से कनेक्ट होता है। ये जो होता है रजिस्टर, ये कार्बन रजिस्टर होता है। ठीक है, ये सब सीरीज में कनेक्ट होता है, और ये अर्थ पिन है, यहाँ पे हम उंगली से टच करके किसी भी फेज को टेस्ट करते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं टेस्ट लैंप। ये हर एक इलेक्ट्रिशियन को बहुत बेनिफिशियल इंस्ट्रूमेंट है। कैसे? ये एक्चुअली फेज न्यूट्रल और अर्थ की पहचान करने में यूज होता है। एसी सप्लाई में इसका यूज करते हैं। लाइन सब एसी सप्लाई है, तो उसमें फेज, लाइन और अर्थ तारों की पहचान करते हैं। अच्छा, इसको हम कैसे पहचानते हैं? इसका इसमें हम फॉल्ट कैसे पता करते हैं कि क्या फॉल्ट है? तो इसके जलने, न जलने और कम जलने के आधार पर विद्युत दोष को, फॉल्ट यानी फॉल्ट को पता करते हैं। ओके, ठीक है, ये आसानी से आप भी बना सकते हो। इसमें क्या होता है, एक होल्डर में 2 वायर लगा देते हैं, और उस होल्डर में बल्ब लगा देते हैं, 60 वाट का बल्ब लगाते हैं। ओके, अब ये क्या है? पोकर। पोकर, इसको आम बोलचाल की भाषा में सुम्मा बोलते हैं, सुम्मा या बुराडल बोलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल पेचकस की तरह यानी स्क्रू ड्राइवर की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ब्लेड नहीं होता है, टिप होता है सिर्फ। टिप यानी नुकीला सुई के तरह का ये होता है। ये किसी जैसे मेटल की धातु है, मेटल का कोई भी मेटल है, उस पे हम टिप लगाने यानी पॉइंट करने के लिए यूज करते हैं। लकड़ी में जैसे इसका यूज करते हैं, क्या खाचा बनाने में, वहाँ पे
अगर स्क्रू कसना है तो वहाँ पे खाँचा बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो टिप होता है नुकीला होता है, ये वाला टिप है जो नुकीला होता है। अब इसका जो सेक की लंबाई है, ये वाला सेक की लंबाई होता है प्रायः कितना, 20 सेंटीमीटर होता है, और ये आगे नुकीला होता है, पीछे चौड़ा होता है। ओके, अब आगे बात करते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर की। कॉम्बिनेशन प्लायर, अब ये कॉम्बिनेशन प्लायर जो होता है, इसमें देख लीजिए फिगर में, ये क्या है, ये दोनों आपका लेग है, इसमें इंसुलेटर लगा होता है, और ये देखिए ये पाँच ग्रिप है, बीच वाला जो ऐसे पाँच ग्रिप, वो कोई भी गोल सी छोटी सी वस्तु को पकड़ने के लिए ग्रिप लगाया जाता है, आगे भी ग्रिप रहता है, इसको फ्लैट ग्रिप बोलते हैं। ये देखिए, अब ये मूविंग जा एक होता है, ये मूविंग जा एक जो ऊपर से ये वाला पार्ट है, इसको हम ऊपर नीचे करते, एक मूविंग जा, इसको मूविंग जा भी बोलते हैं, ये दोनों मूविंग जा भी इसको बोल सकते हो। अब ये देखिए साइड कटर, ये जो किसी भी तार या किसी भी वस्तु को काटने के लिए ये कटर का यूज करते हैं, ठीक है, साइड कटर का। अब ये जो इसका जो लंबाई होता है कितना होता है, 15, इसका जो लंबाई होता है 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है। ओके, और जो इलेक्ट्रिशियन के लिए यूज होता है वो कितने सेंटीमीटर लंबाई वाला होता है, तो वो होता है 20 सेंटीमीटर का यूज होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नोज प्लायर। नोज प्लायर ये भी कॉम्बिनेशन प्लायर ही है। एक्चुअली नोज प्लायर इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें जो आगे का पार्ट होता है जो वो क्या होता है, लंबा होता है, नोज नाक के टाइप का होता है, इसलिए इसके क्या होता है, इसे नाम दिया गया नोज प्लायर। अब ये देखिए नोज प्लायर भी बहुत अनेक आकार प्रकार के होते हैं, जैसे फ्लैट नोज, राउंड नोज, बेंट नोज, लॉन्ग नोज, ये सब नोज प्लायर हैं, ठीक है। तो इसमें ये देखिए आपका ये क्या है, ये लॉन्ग नोज है, ये क्या है, फ्लैट नोज है, इसका जो आगे का हिस्सा है उस पर इसका नामकरण होता है, जैसा इसका जो नोज होता है उस हिसाब से उसका हम नामकरण करते हैं। ओके, उसका नाम बोल सकते हैं। तो जो ये देखिए नोज है, इसको आगे वाला पार्ट को, दोनों में जो आगे वाला पार्ट है इसको हम नोज या जॉ बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, कटर है, यहाँ पे कटर है। अब ये देखिए ये जो क्या है, पायलट पॉइंट जो है, यहाँ पे क्या होता है, स्क्रू स्क्रू से कसा होता है, या वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से एक बिट डाला हुआ रहता है जिससे वो क्या होता है, कसा हुआ होता है, ठीक है, और पीछे से इंसुलेशन लगा ग्रिप लगा रहता है। ओके, अब ये देखिए जो इलेक्ट्रिशियन के लिए यूज होता है, कौन सा प्लायर यूज होता है, तो इसमें लॉन्ग नोज इलेक्ट्रिशियन के लिए बेनिफिशियल होता है। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे का जो भी आपका टूल्स है अगले वीडियो में हम पूरे वीडियो कर देंगे।